विषय को लेकर मैं और हमारे ये सब साथी आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। सच्चाई ये है कि वो आज का इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे के रूप में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जा रही है, और अक्सर मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि रेडियो बूट्स का लक्ष्य ह्यूमन बीइंग्स की वेलनेस पर है। उस वेलनेस में हम फिजिकल वेलनेस पर भी बात करते हैं और साथ साथ मेंटल वेलनेस पर भी बात करते हैं। साथियों, आज के इस भागते दौड़ते युग में हमारे पास इतना समय नहीं बचा कि हम अपनी मेंटल वेलनेस की तरफ भी ध्यान दें। आज मैं और हमारे ये साथी मिलकर इसी पर बात करेंगे। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करते हुए अनुराधा दास जी से गुजारिश करूंगा कि आज के इस विषय पर बात की शुरुआत करें, और हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, सहयोग भी देंगे और साथ साथ अपने विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। हमारे बीच हैं अनुराधा दास। Thank you once again, Gambhir ji, for this privilege. And it's always a pleasure to come and talk to all of us and to our audience, our wonderful audience. And thank you for your likes and your views and sharing. And I get many appreciation. बहुत सारे लोगों से मुझे सराहना मिल रही है videos की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So I will start with loop of thought. जैसे ही हम sadness में आते हैं या happiness में आते हैं, तो दोनों तरह के थॉट्स हमारे पास होते हैं। सो सैडनेस रह जाता है, हम खुशियां बहुत इजीली भूल जाते हैं। और अगर आप देखेंगे जिंदगी में पीछे, अगर मुड़ के आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे बैड मेमोरीज बहुत इंटैक्ट हैं। जो बहुत सोच कहीं ना कहीं इसने मुझे वो कहा था, उसने वो कहा था, तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है ना। सो वही जो खराब धारणा जो आ जाता है दिमाग में, किसने कुछ बोल दिया या मेरे साथ धोखा हो गया या फिर मेरे बिजनेस में लॉस हो गया या फिर मैंने वो इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न उतना नहीं मिला, सो ऐसे जो थॉट्स आके वो रह जाते हैं और वो एक लूप बना लेते हैं। जैसे कि आपने कोई गाना सुना होगा लूप में, जैसे पसंद आ गया गाना तो आपने लूप ऑन कर दिया, वो गूंजता रहता है। तो वही चीज जब हम, क्योंकि वो हमें वो गाना पसंद है तो इट्स ए गुड थिंग, बट व्हेन द थॉट इज अ बैड थॉट एंड इट्स इन अ लूप, That's where the mental instability starts. लेकिन अनुराधा जी, एक बात और मैं समझता हूँ हमें अपने ऑडियंस को स्पष्ट करनी चाहिए कि किसी अच्छे गीत को सुनने के लिए, उसको लूप में लेने के लिए हमें किसी बटन को दबाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली बैड थॉट का जो लूप है वो स्वतः ही ऑटोमेटिक हमारे जहन में गूंजता रहता है, और तब तक गूंजता रहता है जब तक कि हम उससे इंटेंशनली छुटकारा नहीं पा लेते। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने जी, जी। और ये स्विच हमारे हाथ में है। यस, जैसे मैं लिख रही थी अभी कि बहुत सारा हंसना जरूरी है, बहुत सारा डिस्कशन जरूरी है। आप जरूर किसी से बात करें, कोई चीज आपको, अब कोई चीज आपको अगर बॉदर कर रहा है, आप डेफिनेटली एक फ्रेंड को कॉल करें, टेक्स्ट करें, किसी को बताएं कि यू नो समथिंग, अरे आई एम रियली गोइंग थ्रू दिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है। सो हो सकता है वो सामने वाला सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, बट देयर इज हीलिंग इन रिवीलिंग। जैसे हम रिलीव हो जाते हैं जब हम रिवील करते हैं। कई बार हमारे जीवन में 5-6 अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हम सबको नहीं बता सकते, कुछ दिल की बातें हम सबसे शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है जो आपको जज नहीं करेंगे। आपको पता है दैट आई कैन वॉक अप टू हर एंड टेल हर आई मेस्ड अप टुडे, और दैट पर्सन सेड दैट टू मी एंड आई डिडंट लाइक इट। सो वो मुझे चाहे वो सजेस्ट जो भी करे, बट वो सुनना चाहिए, वो एक सुनने वाला दोस्त होना चाहिए।
वही एक अच्छा आपका फ्रेंड भी है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और जहां तक मैं समझ रही हूँ कि आप ये बात कह रही हैं कि हम बुरी चीजें भूल नहीं पाते, तो शायद आप ये बुरी चीजें भूल नहीं पाते उन लोगों के लिए कह रही हैं जिनको कि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, है ना, उन लोगों के लिए आप ये बात कह रही हैं। क्योंकि एक जो इंसान होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है एक स्वस्थ इंसान की, कि वो पैदा होने से लेकर जब तक भी जीता है तब तक बुरी चीजें या दुखद घटनाएं आसानी से भूलता चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अनुराधा जी आप देखिए कि कितनी डेथ्स हो जाती है ना। हम लोग थोड़े दिन रोते हैं पीटते हैं पर हम फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, नहीं और अगर हम वही पकड़े बैठे रहें तो हम जी नहीं पाएंगे। और ये जो और एक ये पॉइंट है हमारी लाइफ के साथ भी लगा हुआ है, हर टाइम हम इसको भी भूले रहते हैं और आराम से जीते चले जाते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो हेल्दी लोग हैं उनका तो ठीक है लेकिन जो मेंटली इल है वो हर वक्त एक समस्या में जूझते रहते हैं, उलझते रहते हैं उससे। और घर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली फ्रेंड्स का ही ये दायित्व नहीं है, ये घर वालों का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि आपकी माँ अगर है मेनोपॉज से गुजर रही है या आपका बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है, कहीं वो चुप तो नहीं हो गया, कहीं वो घबरा तो नहीं गया, ये देखना हम सबका ही काम है। ये मैं छोड़ना चाहती हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि परिवार का बहुत मेजर सपोर्ट होना चाहिए, बहुत मेजर रोल है। जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि जैसे तुम पास हो या तुम फेल हो, तुम 99% लाओ या तुम 60% लाओ, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आई एम गोइंग टू लव यू। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो एश्योरेंस बहुत जरूरी है। और जितने भी आगे लोग अच्छा जिन्होंने किया है लाइफ में वो कभी अपने टॉपर नहीं रहे हैं क्लास के, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, है ना, और चाहे वो आइंस्टीन हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं समझता हूँ 80-90% मार्क्स लेना एक अलग बात है और जीवन में सक्सेसफुल होना ये दूसरी बात है। रादर अगर मैं ये भी बात कहूँ कि जो 80-90% के लोग हैं आमतौर पर जीवन में कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, ऑफ कोर्स अपवाद इन सब बातों में आपको मिल जाएंगे। सवाल ये है कि जो लोग अपने साथ खुद के साथ साथ पूरे परिवार को या पूरी टीम को अपने साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं वो जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल साबित होते हैं, बनिस्पत की जो लोग 90-95% मार्क्स लेके इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि उनको बाहर के जगत से कोई वास्ता नहीं रहता और सिर्फ वो अपने तक सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी अनुराधा जी, आप जल्दी से जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है। यस वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट्स कैन बी अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। Mostly 70% of the population in the world goes through some kind of stress, some kind of, जैसे physical हो सकता है, emotional हो सकता है, financial हो सकता है, relationship हो सकता है, 70% of people are going through something, only the 30% are not able to handle it. Yes. So those 30% actually suffer when they are not able to handle the trauma. जी हाँ। So जैसे traumatic किसी का death हो गया, किसी ने पहली बार डेड बॉडी देखी, या फिर मान लीजिए एक एक्सीडेंट में वो ऑपरेशन थिएटर पे गया जिसपे उसकी बॉडी पे 7-8 मेजर ऑपरेशंस हुए, या फिर किसी ने कुछ ब्रेकअप में ऐसे रिजेक्टेड वर्ड्स बता दिए कि द पर्सन लॉस्ट द वैल्यू। सो कुछ एक ट्रिगर पॉइंट होता है जैसे स्पेशली ट्रॉमास, ये ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है इमोशनल फिजिकल, जैसे हमने कोई बहुत बढ़िया बिजनेस में लगाया पैसे और वो पैसे बहुत उम्मीद थी कि इतना वो वापस आएगा बट पता चला कि वो डूब गए, तो दैट हैज बिकम अ ट्रिगर पॉइंट फॉर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस।
सो दैट इज वेयर यू नीड टू टॉक एंड सीक ए काउंसिल इमीडिएटली. और मैं बताना चाहूंगी कि अगर चार चीजें हमारी जिंदगी में काम नहीं करती हैं, पांचवा करेगा. Yes. दस अगर नहीं काम कर रहे हैं तो ग्यारहवा हो सकता है कर जाए. बहुत सुंदर. देयर इज ऑलवेज ए वे आउट. और हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे इस जीवन में, चीजें हमारे हिसाब से नहीं जाएंगी. सो वो ट्रॉमा के पीरियड पे अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे 2 वीक्स का एक सिनेरियो है, अगर आप गूगल करके सर्च करके पढ़ेंगे, सो 21 डेज के अंदर अगर पर्सन ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपना सैडनेस या फिर ग्लूमी फीलिंग मूड से बाहर नहीं आ पा रहा है, आई टेल यू दैट प्लीज सीक काउंसलिंग पर्सन हु कैन काउंसिल यू, और टॉक टू अ फ्रेंड, गो टू अ साइकेट्रिक. एंड आज मैं बताना चाहती हूँ, आज की डेट में ये कोई शेम की बात नहीं है. जैसे हम हाथ से बाकी बीमारियां हैं, हाथ टूट जाए तो हम सबको बताते हैं कॉल करके, क्योंकि वो देख पा रहा है. तो अच्छा, हमें साथी भी पूछता है, अरे तेरा हाथ टूट गया. सो हम क्योंकि वो दिखाई दे रहा है. और मेंटल सिकनेस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टॉक टू समवन. If you are not able to come out of your crying, if you just want to, if you want to sit in a dark room all the time, you don't want to talk to anybody, आपने सारे WhatsApp group से walk out कर लिया, social media बंद कर दिया, these are all the sign. आप अकेला हो जाना चाहते हैं. करना भी नहीं पसंद करते हैं, जो daily routine, नहा नहीं रहे हैं. जी जी जी, है ना, sign. देखिए प्रीति जी, आप जो बात कह रहे हैं और मैडम दास ने भी उसको endorse किया, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल ज्यादा हमारे मेंटल लेवल का है. बिल्कुल बिल्कुल. दिमागी एस्पेक्ट हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले में अहम रोल अदा करता है. लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जब कभी हम मेंटल इलनेस पर आ जाते हैं, उसको हम हर एक से छुपाने का प्रयास करते हैं. अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने कुलीग से. तो होना जबकि वाइस वर्सा चाहिए. मुझे याद आता है वात्स्यायन अग्रे मैडम ये लिखते हैं एक जगह कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ तो जिनका मुझसे कोई प्रयोजन भी नहीं है वो भी मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते हैं. और एक छोटा सा जीव कब से मेरे इस शरीर में अस्वस्थ पड़ा है, इसकी कोई खबर ही नहीं है. तो कहने का भाव ये है कि हमें उनके प्रति और ज्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए, ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, जो मेंटल लेवल पर थोड़ा सा भी हमें अस्वस्थ नजर आते हैं. वो सारे सिम्टम्स देख के जो आपने जिनका जिक्र किया, ग्लूमीनेस में है, आपने बताया कि वो बातचीत कम करते हैं, तो इन सब को मद्देनजर में रखते हुए मैं अनुराधा जी ये चाहूंगा कि ये दो हमारे पास यंगर जनरेशन के बच्चे हैं, इनसे भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं, आप बताइए क्या कहती हैं आप. सबसे पहले मेंटल हेल्थ को लेके तो मैं एक ही पॉइंट कहना चाहती हूँ कि ओके, दोस्तों से शेयर कर लेते हैं कभी कभार, फैमिली के साथ भी शेयर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाती है तो स्पेशली जो घर के मेंस होते हैं, कुछ वुमेन्स होती है, वो रोते ही नहीं है, वो इतना ट्रॉमा में चले जाते हैं. तो इट्स नेसेसरी, आपको रोना बहुत जरूरी होता है. प्लीज ये सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए लोग हमें जज करें. डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. अगर आपको फील हो रहा है कि डांस करने का मन है तो जस्ट कान में ईयरफोन्स लगाओ एंड डांस जैसा करना है करो. इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू cry. Yes. बस इतना सोच के रहो कि आज मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, लेकिन कल इस टॉपिक को लेके या फिर इस चीज को लेके मैं नहीं. तो सारी बातों का सारांश ये निकला कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो बहुत खुशी की स्थिति है या बहुत गम की स्थिति है, वी मस्ट वेंटिलेट आवर फीलिंग्स. उनको एक्सप्रेशन देना बहुत जरूरी है, जो भी जिस मनस्थिति में से हम गुजर रहे हैं. भूमिका आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मतलब जो भी बात अभी तक हुई, मुझे ये लगता है कि सोसाइटी में अभी तक
इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि मेंटल इलनेस नाम की भी कोई बीमारी होती है. Exactly. मतलब हाँ, फिजिकली हम पूछ लेते हैं कि आपको ये हुआ है, चोट लगी है, बीमार है, लेकिन मेंटली ये कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता कि अच्छा ये भी कोई बीमारी है, ये भी कोई चीज है, इससे भी क्या इंसान परेशान होता है. Yes. ये अभी तक एक्सेप्ट ही ये चीज अभी तक नहीं की गई. तो वो मेंटेलिटी हमें चेंज करनी बहुत जरूरी है. और आज भी साइकेट्रिस्ट को समझा जाता है कि मतलब पागलों का डॉक्टर, ये भी कह देते हैं ये तो खुद ही बात है. जैसे आपने बताया कि समाज में जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. एक तो हमने देखा ये सब कुछ, ऐसे अगर सैडनेस में जा रहे हैं, सो देयर आर थ्री मेजर सिचुएशंस दैट आज जो समाज हमारा कर रहा है फेस, वो है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर एंड पैरानोइया. These are the three major situations that people are facing. Paranoia में क्या होता है, आपको हर बात से डर लगता है कि everything will just go wrong. So paranoia की वजह से इंसान even काम छोड़ के घर बैठ जाता है. Because he or she has lost hope. वो काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि फेल हो जाएंगे. बात ही नहीं करना चाहते कि कोई रिजेक्ट कर देगा. और उनको कॉन्स्टेंटली लगता है कि सब हर चीज में डर भरा हुआ है. एंड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है कि दे एज्यूम एवरीथिंग, दे हैल्यूसिनेट. तो अपने आसपास एक वर्ल्ड बना लेते हैं जो कि रियल नहीं है. तो वो जैसे हम यहाँ पे हैं तो वो यहाँ चले जाते हैं. अच्छा. तो सोसाइटी में फिर वो रिलेट नहीं कर पाते हैं और वो जैसे उनके लिए नॉर्मल जिंदगी और नॉर्मल नहीं रहता. वो एक अजीब सी माहौल में अपने आप को ले जाते हैं. तो स्लो एक एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया से रिवर्स होना बहुत मुश्किल है. इसलिए जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको बोलती हूँ बिगिनिंग में आपको इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्यूट हो गया देन मेडिकल साइंस सेज देयर इज नो रिवर्स. सो इसलिए अगर शुरू से ही हम सेंस करके उसको मेडिसिन ले लें या फिर काउंसलिंग में चले जाएं तो हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि इट्स ए केमिकल इम्बेलेंस. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया उन लोगों को होता है जिनका डोपामिन रिलीज ब्रेन में एक्सेस हो जाता है. अच्छा, जैसे आप मेरे घर पे आए, मैं आपको एक कप चाय की बजाय अगर मैं आपको एक बाल्टी भर के चाय दूं, तो हम ऐसे ही अपनी ब्रेन को ट्रीट कर रहे हैं. अच्छा, उस हालत में हमें स्किज़ोफ्रेनिया होता है. सो जैसे चाय की जरूरत थी लेकिन हमने बाल्टी डाल दी, तो फिर थोड़े से थॉट्स की जरूरत थी. डोपामिन हमें क्रिएटिव बनाता है, बट हमारी क्रिएटिविटी इतनी एक्सट्रीम में चली गई कि वो हेलुसिनेशन बन गया. अच्छा अच्छा. तो वो वही सिचुएशन है. तो बहुत सारी जगह पे हम आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहे हैं. जब तक हम आइडेंटिफाई करते हैं लेट हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी, जिसको हम बाइपोलर कहते हैं, जहाँ पे इंसान की एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं. और दीज आर ऑल केमिकल इम्बेलेंस इन द बॉडी. इट कैन बी ट्रीटेड जस्ट लाइक योर हेडेक, जस्ट लाइक योर फीवर, जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज. कभी वो बड़ा खुश हो जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा, और कभी एकदम बॉटम. सो एंड द टू पीपल लिविंग इन वन बॉडी, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कौन है. थोड़ी देर पहले तो कोई और था, होने में कल तो वो कोई और लग रहा था, आज कोई और है. बिल्कुल. सो दैट इज बाइपोलर. सो ये सब अगर सिम्टम्स आप नोटिस कर रहे हैं अपने आसपास, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. वैसे अनुराधा जी, आपने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, लेकिन ये बताएं कि दूसरे ऑब्जर्व करें, ये तो एक बहुत अच्छी बात है. ऐसा कोई सिस्टम भी है जिसमें कि व्यक्ति स्वयं ही इन बातों को ऑब्जर्व करना शुरू करे? ये सिकनेस का बहुत एक ड्रॉबैक है गंभीर जी, कि जो पेशेंट है वो एग्री नहीं करता. बिल्कुल सही. स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हमें हमारा माहौल ऐसे बनाया गया है कि माँ बाप एग्री नहीं करते. तो क्योंकि सोसाइटी एग्री नहीं करता, वो इंसान भी एग्री नहीं करता कि मुझे प्रॉब्लम है. सो मैक्सिमम केसेस जो है वो नहीं चाहते कि वो दवाई ले. I don't understand why this sickness is like this, that people don't want to take medicine. सर दर्द होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, पेट दर्द होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, बट इसके लिए हम मेडिसिन लेना नहीं पसंद. चेहरे को चमकाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? दिमाग का सवाल नहीं आता. और दिमाग अगर जेपिटाइज हो गया तो सब कुछ खत्म.
सो आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ओ आई नीड सम हेल्प, बहुत कम. मैक्सिमम इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आसपास के लोग अंडरस्टैंड करें, उनको सपोर्ट करें. एक और क्वेश्चन जी, जैसे कि हमेशा डॉक्टर्स से पूछा जाता है, क्या हमारा कुछ खान पान या हमारे रहने का तरीका भी ऐसा हो सकता है, जैसे हम तो जैसे उन मदर्स के लिए बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं या जिनके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे अपने बच्चों को बड़ा करें कि वो इस तरह के शिकार ना हो पाए, क्या ऐसा कोई रास्ता है? यस ऑफ कोर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन लाइफ जिया जाए. जी जी. एंड एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अ बैलेंस्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट. जी. कई बार माँ बाप एक्सट्रीमली उनको डिसिप्लिन कर देते हैं तो इंसान उसमें भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, या तो एकदम से केयरलेसली छोड़ दिया जो कुछ करना है कर. yes. So, दोनों सिचुएशन में ठीक नहीं है. उनको माँ बाप जरूर बार बार बताएं कि नहीं दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, यू चूज. सो एक जो मैंने प्रोमिनेंट चीज देखी है, इवन इन द पीपल हु इवेंचुअली कमिट सुसाइड, उनमें मैंने देखा है दे आर काइंड ऑफ वेरी सेल्फिश. अच्छा. सो एक कॉमन थिंग जो मैं देखती हूँ, दे आर वेरी वेरी विद इन, दे आर नॉट रीचिंग आउट. अच्छा. आई सेंट्रिक. आई सेंट्रिक पीपल हु ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स. ओके. सो कहीं ना कहीं माँ बाप थोड़ी सी जेनरोसिटी सिखाएं, फॉरगिवनेस सिखाएं, सेल्फलेसनेस सिखाएं, सर्व करना सिखाएं. हाँ. और इतना प्यार दें कि इंसान इसीलिए ना ऐसा स्टेप उठाए कि मेरे मम्मी का क्या होगा या मेरे भाई बहन का क्या होगा, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण बनाए. कल एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन ट्राई टू कमिट सुसाइड, सो आई गॉट टू नो एंड आई वाज सपोज्ड टू टॉक टू देम. सो द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू कनेक्ट टू अस, ही आस्क्ड मी दैट व्हाई पीपल डू दिस. आई सेड आई हैव डिस्कवर्ड दैट the people who do this are mostly selfish people because they are not thinking about anybody else, and second they are not able to break free. So these are the two things, if we can address then I think we can make a better society. Ma'am, mera ek question hai ki maine aisa observe kiya hai apne aas paas mein ki kuch log aise hote hain jo ek apni imaginative apni duniya bana lete hain, bana chuke hain already, aur usme hi jeete hain ki ऐसा हो, जैसे कि होता है ना गाने होते हैं उसमें हीरो हीरोइन होते हैं तो वो वैसे ही इमेजिन करते हैं, अपने अपनी एक अलग जिंदगी इमेजिन करते हैं, तो ये क्या चीज है, मतलब ये ठीक दिशा की ओर पे जा रहे हैं? See, there is something known as dreaming about things. Dreaming, yeah. Like you have set dreams that you want to achieve in life. But there is something about hallucination. Hallucination will never come to pass. It's very illogical. These are things that should not even come to pass. Things that are not nice. Dreaming is good. If you have somebody, you have found love with that person, you're dreaming to be together. Nothing wrong with that. लेकिन यही चीज़. But if I dream, होती जा रही है. No, if I dream like और हर चीज़ में सलमान खान और only with Hrithik Roshan, then that is a mistake. It's like, not like that, ma'am. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इमेजिनेटिव दुनिया, लाइक कि मैं इस मुकाम पर होंगी, ऐसा होगा, बड़ी गाड़ियां और बिल्डिंग. हाँ, तो ये क्या सारे बच्चे करते हैं, नॉट इन दिस एज पर्टिकुलरली, मतलब एवरी इफ हर एक एज में अगर किसी को ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्या है, मतलब. So, इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि वो पर्सन ड्रीम तो करें, 5-10 year गोल तो दें अपने आप को, बट रियलिटी ना छोड़े. मतलब जमीन पर है तो जमीन पर रहे, क्योंकि जो जमीन पे नहीं है वो वहाँ पहुँच के भी नहीं रह पाएगा. इन शॉर्ट, ये जो उन्होंने अपनी कल्पना वाली दुनिया बनाई उनको अपने ऊपर हावी ना होने दे. मैं सारी बात को अपने एक शेर के साथ समप करता हूँ कि अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो जन्मों तक यूं ही सोया सा चला जाता. सो एट टाइम आपको कोई झंझोर के जगा दे तो उसका शुक्रगुजार समझो, क्योंकि उसके इस झंझोरने से आप उस ख्वाब से अलग हो गए, अदरवाइज आप उसी मिथ में, उसी हेल्यूसिनेशन में, उसी इमेजिनेशन में पता नहीं कहां कहां तक चले जाते. इसलिए कहते हैं कि हर चोट
आदमी को निखारती है, मजबूत करती है। तो साथियों, आज जिस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, मैं समझता हूँ अनुराधा जी ने और प्रीति जी ने मिलकर और हम सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर उस बात को बड़े अच्छे से उभारने में मदद करी है। आप इसी तरीके से रेडियो बूस को सुनते रहें, हमारा आप चैनल को डाउनलोड करें और इसी तरीके के कार्यक्रमों को सुने, और बहुत जल्द ही हम ऐसे विषयों पर पुनः बातचीत के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुराधा जी, आपका इतना ज्ञान भरा प्रोग्राम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट एंड और लोगों को इससे जरूर जरूर लाभ।